बुंदेलखंड में जो मुद्दा है उसमें सॉयल एंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी है तो रन ऑफ यहाँ बहुत ज़्यादा है, सॉयल की फर्टिलिटी बहुत कम है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम यहाँ ज़्यादा प्रिवेल करता है और जिससे जो है किसान की आजीविका खतरे में आ जाती है। बरसात भी कम हो रही है पहले की अपेक्षा, तो पहले कुएं में पानी रहता था, इसके पानी भरा रहता था नदी में, अब नदी सूख जाती है तो पूरे कुएं भी सूख जाते हैं। With over 80% of the population dependent on agriculture, climate change is having major economic, social and ecological implications for this region. Development Alternatives Natural Resource Management Program offers solutions that help in the sustainable management of natural resources for achieving food and livelihood security. हमारा पहला उद्देश्य ये है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोको। मोस्ट फर्टाइल जमीन अगर पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है तो कुछ नहीं उगेगा। सो इन टर्म्स ऑफ होल साइंटिफिक प्लानिंग वी डू इट यूजिंग जीआईएस। इट नैरोज डाउन योर प्लानिंग प्रोसेस, सो एग्जैक्टली पिन पॉइंटिंग वेयर टू कंस्ट्रक्ट द चेक डैम्स साइंटिफिकली, सो दैट योर इम्पैक्ट ऑल्सो इज सीइंग ऑन अ लार्जर स्केल। Water harvesting structures are built at these locations, which leads to the augmentation of groundwater and surface water and reduction of soil erosion. जब पानी मिला किसानों के लिए तो उनकी पैदावार हुई है खेतों में, वो खेत पे पैदावार हुई तो उनके पास पैसा आया है, बढ़ोतरी हुई, उनकी विकास हुआ है उनका, तो उन्हें पलायन करना जो बाहर जाते थे काम के लिए उनका उसमें फर्क आया है। Along with scientific planning, community participation has been integral to our watershed management approach. Watershed committee में हर वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों को का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। कमेटी का जब गठन हो जाता है, इसके उपरांत एक बृहद स्तर की गांव में बैठक होती है, तो वहां पे जो लोग आते हैं तो वो एक प्लान करते ही योजना बनाते हैं कि हम अपने गाँव में वाटर सेट से संबंधित कौन कौन से कार्य करने हैं और कहाँ पे ये कार्य उपयोगी हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है कि हम जल स्तर में सुधार लाए हैं, सतही जल और भूगर्भ जल, हमारे मृदा स्वास्थ्य में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि जो भूमि का क्षरण हो रहा था उसके हम कटाव को रोके हैं, और तीसरा यहाँ की वनस्पति या पारिस्थिति जो है वो परिवर्तित हो चुकी है। Development alternatives promote sustainable farming techniques which help farmers in adapting to the changing climate without reducing their agricultural incomes. हमारा मेन उद्देश्य गांव वालों से है कि आपकी जमीन क्रॉप लैंड एंड वेस्ट लैंड, इसमें आमदनी कैसे बढ़ सकती है। हम पहले खेती अपनी सिंपल खेती करते थे, जब ताराग्राम में जुड़े तो ताराग्राम हमको बताया है कि आप ऐसे बीज लगाओ जो हमको 50 कंटल पर हेक्टर में मिलता था, वो हम लोगों का 65 से 68 कंटल पहुंच गया है। A very successful agroforestry model that has been replicated across Bundelkhand is the Wadi model of tribal development. This model emphasizes on soil and water conservation measures and organic farming techniques. These wadis have helped rejuvenate large tracts of unproductive lands. सबसे पहला परिवर्तन जो आया है वो उनकी विचारधारा। पहले तो उनको ये था कि हमारी जो जमीनें हैं इनमें कुछ उत्पादन हो ही नहीं सकता। अभी उन्होंने अपने खेतों में जो उनकी बंजर भूमि थी उसमें बगीचे देखे। आने वाले 10 साल को देखें अगर आप, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आ रहा है सर्विस सेक्टर में, किसानों को सही समय पे सही मात्रा में सही तकनीकी नहीं मिल पा रही है, तो हमारा प्रयास है कि किसानों के अलग अलग संगठन बनाकर इन किसानों को कृषि आधारित तकनीकी मुहैया कराएं, जिसके लिए सर्विस और डिलीवरी के लिए हम लोग चैनल्स बना रहे हैं, जिससे उनको इम्प्रूव सीड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में सही जानकारी सही समय पर मिले। Thank you.
जैसे कि हमें पहले से जानकारी हो जाए कि मौसम बदलने वाला है या फिर किस तरह का मौसम रहेगा, तो हम उस तरह से अपनी फसलों को लगा सकते हैं। An integral part of our natural resource management program is on conducting policy research and multi-stakeholder dialogues to scale up good practices and integrate them into planning processes to achieve sustainable development. With the potential impacts of climate change bearing down on this fragile region, conserving natural resources will become even more crucial in the future. Development Alternatives is committed to strengthening agrarian livelihoods, improving food and nutrition security, and increasing resilience of rural communities in the face of change.